क्रिकेट के सबसे छोटे और रोमांचकारी फॉर्मेट का फाइनल मुकाबला रविवार को बीडीएस और सीएसके के बीच खेला गया। जी हाँ, खबर काठीकुड़ से है। आपको बता दें, 12 ओवर के इस फॉर्मेट में बीडीएस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। निर्धारित ओवरों में दिवाकर के 29 रनों की बदौलत बीडीएस ने 110 रनों का लक्ष्य विपक्षी टीम को दिया। अहम मुकाबले में सीएसके के अनुराग सोरेन और निक्कू ने बीडीएस के 3 बल्लेबाजों को आउट कर पवेलियन भेजा। जवाबी पारी खेलने उतरी सीएसके की टीम ने निक्कू की शुरुआती 31 और लोकेश के तेज तर्रार 19 बॉल में 33 रनों की बदौलत टीम को मैच में बनाए रखा। फाइनल का यह मुकाबला बहुत रोमांच भरा रहा। सीएसके को अंतिम ओवर्स में 17 रनों की जरूरत थी। कैप्टन जयंत कुमार मोदी के बहुमूल्य 23 रनों की बदौलत सीएसके ने मुकाबला 3 गेंद शेष रहते ही जीत लिया और खिताब पर अपना कब्जा जमाया। अहम मुकाबले में 31 रन के साथ 3 विकेट लेकर हरफन मौला प्रदर्शन के लिए अनुराग को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। पूरे प्रतियोगिता में 266 रन के साथ 6 विकेट लेने वाले आरबीडब्ल्यू के हरफन मौला खिलाड़ी आतिफ जावेद को ऑरेंज कप के साथ ही मैन ऑफ द सीरीज का भी पुरस्कार दिया गया। पूरे प्रतियोगिता में सर्वाधिक 12 विकेट लेकर सीएसके के शिवलाल बास्की ने पर्पल कैप अपने नाम की। बेस्ट विकेट कीपर का पुरस्कार बीडीएस के विनोद राय को दिया गया। प्रतियोगिता की विजेता उपविजेता टीम को केपीएल आयोजक समिति द्वारा चमचमाती ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में असलम गगन मन्नान आदिल बबलू डब्लू जयंत मोहन पंडा मुजम्मिल आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई। काठेगुण से मुकेश कुमार दास की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।